वेलकम टू द सुपर एंटरटेनमेंट चैनल। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत की एपिसोड 24 में आप लोग देखेंगे, बहुत सी मुश्किलात का सामना करने के बाद आखिरकार मुश्क को फरार होने का रास्ता मिल ही जाता है। वो नोमी के गेट के पास पहुंचती है तो वहाँ पर अचानक से गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर मुश्क मिनते और तरले करती है और ये कहती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं एक शरीफ लड़की हूँ, मुझे जाने दो। जिसके बाद गार्ड उसे जाने की इजाज़त दे देता है। उधर नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे इर्तज़ा के माँ बाप मुश्क के माँ बाप से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और वो वहाँ से जाने का सोच रहे होते हैं कि अचानक से अंबर उनको रोक लेती है और ये कहती है कि प्लीज़ आप लोग रुक जाएं, मेरी बहन शरीफ है, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, आप लोग फिक्र मत करें, वो भी आ जाएगी। इतने में मुश्क उजड़ी हालत में जब घर वापस आती है तो इर्तज़ा के माँ बाप उसे देख कर दंग रह जाते हैं और यही सोचते हैं कि अब इससे शादी करना नामुमकिन है। उधर नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे इसी कश्मकश में मुश्क अचानक से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है और उधर नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे उसे सब लोग उठा रहे होते हैं सिवाय इर्तज़ा के माँ बाप के। शुअर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। होश में आने के बाद मुश्क को सिर्फ़ और सिर्फ इर्तज़ा और साहिबा ही याद आते हैं, तो उन दोनों के बारे में ही सोच रही होती है। अभी तक वो साहिबा को अपनी एक अच्छी और मुखलिस दोस्त समझ रही होती है। उधर नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे इर्तज़ा के माँ बाप जाके मुश्क की सारी हालत के बारे में इर्तज़ा को बताते हैं और इर्तज़ा को बहुत गुस्सा आता है, वो यही सोच रहा होता है कि साहिबा ने मुश्क के बारे में बिल्कुल ठीक कहा था। वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो उधर नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे मुश्क इर्तज़ा को कॉल करके कहती है कि तुम मुझसे निकाह करोगे या नहीं। इर्तज़ा उससे निकाह तो दूर की बात, उसकी आवाज़ तक सुनना पसंद नहीं करता। सो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इर्तज़ा फिर भी मुश्क से शादी करेगा या फिर इस्माइल और मुश्क की शादी हो जाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। सुपर इंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर इंटरटेनमेंट। अल्लाह हाफिज़।